मसला स्टार्ट होता है 4th of December से, एंड मसला कुछ यूं था, एकदम सही जा रहा था सारा, एंड अचानक से एक बोलते ना वो लहर जैसी आई हवा की, उसने ऐसे मतलब पूरा का पूरा उजाड़ के रख दिया सारा। ड्यूरिंग दिल्ली ट्रिप मेरे साथ बहुत कुछ ऐसा ऐसा हुआ है कि जो कि मैं हो गई बेचारे के साथ, बहुत 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 परेशान, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। मेरे को खुद नहीं पता कि मैं लास्ट दिनों से सोया कब हूँ। ओहो इसके बाद मेरी बारी। ठीक है गाइस, फेस को पेंट करने की बारी। लेट्स डू इट। मैं कह दिया तुमने सुअर की तक गई थी दर बदर। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आई होप सभी लोग ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। आ जा भाई, कोई बात नहीं, निकलो सर। नहीं भाई, निकल आ भाई साहब, यू कैन गो। आ जाओ, बिल्कुल अच्छे से। इसी बहाने इंट्रोड्यूस भी हो जाओगे सर। मेड माय फ्रेंड अफान, इसको कॉलेज जाना है, जाओ तुम कॉलेज। बाकी हम करते हैं अपना ब्यूटीफुल डे स्टार्ट, और आज हम जा रहे हैं गाड़ी देखने, देखेंगे कहाँ बढ़िया मिलेगी, और अगर बढ़िया लगी तो ले लेंगे, नहीं तो देखेंगे। मुझे खुद के भी लेने, मुझे खुद के लिए भी गाड़ियाँ लेंगे, नहीं इसके लिए बाइक लेंगे, सुपर बाइक फ्रीम। सस्ते पड़ते थे ना कसम, जो ना कश्मीर, निंजा निंजा। हाँ, निंजा निंजा कश्मीर के भाई, आरसी 390, मैं नहीं बोल रहा हूँ, पहले ही जा बड़े काफी सस्ती पड़ी, यहाँ पे सस्ती पड़ी। ये देखो मोटर लॉक वगैरह वगैरह का मैं दिला दूंगा तेरे को, बढ़िया सी दिखाऊंगा ना, गाड़ी के साथ ही बाइक दिखा, देखते देखते मार्केट एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से। हमने कैमरा बंद किया, हमने कैमरा से ऑप्शन दी कसम, खबर कैमरा के साथ बॉस। कौन सा मंगवाया भाई, कौन सा मंगवाया? मिक्स सारा पहली बात, मेरे बाल और दाढ़ी इग्नोर करना, मुझे पता है मैं जंगली लग रहा हूँ, बट क्या करे यार, इसमें भी एक अलग किक मिलती है। सो अभी करते हैं डिस्कस। मैं आपको बोलूंगा कि यहाँ पे क्या हो गया था। यहाँ पे हमने किया था रात के 11:30 बजे ऑर्डर। मुझे पता है दिल्ली में 11:30 आम होता है, लेकिन जब वो डिलीवरी बॉय हमारे पास आया, उसको हमने मतलब कैसे कैसे रिएक्ट किया मैं आपको बोलूंगा। अब गुस्सा नहीं करना, ना ही बैड कमेंट करना, प्रैंक था जस्ट, हमने वैसे ही फॉलो किया। एक और ने दरवाजा खोला, डिलीवरी बॉय यहाँ पे ऐसे आया, सर आपका पार्सल, एंड एक और कुछ नहीं कर रहा है, एक और ने गॉगल्स पहने हुए है, हाथ में बैग रखा हुआ है, एंड उसको ऐसे देख रहा है बराबर 5 मिनट तक। वो बोल रहा है सर ऑर्डर। हम यहां से कुछ नहीं कर रहे हैं, हम यहां से ऐसे बैठे हैं सारे। मैं ऐसे पोजीशन में बैठा हूं, जैद बिलाल ऐसे बैठा है टांग पे टांग रख के, नसीम ऐसे बैठा है, ऐसे ना ऐसे, मतलब हम एक्ट कर रहे थे कि जैसे हम सारे पी के थे। लेकिन जो वो प्रैंक फिर शूट हो गया ना भाई साहब, वो अनदर लेवल शूट हो गया था, लेकिन उसमें गालियां है इसलिए मैं वो अपलोड नहीं कर पाया, बस मैंने उसके बाद वाला अपलोड किया, जो कि हमने फिर डिलीवरी बॉय से पूछा कि आपको लगा था कि ये प्रैंक है, एंड उनका रिएक्शन आप खुद देखो कि उनका रिएक्शन कैसा है। वो ज्यादा परेशान हो गए थे, बट इट वॉज फन, इट वॉज टोटली फन। मसला था क्या? देखिए गाइस, अगर मैं मसला खुल के बोल पाता तो मैंने पहले ही बोला होता, लेकिन हर कोई चीज सोशल मीडिया में बोली नहीं जाती, इसलिए मैं इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ। मतलब वो कहते हैं ना कि सब सही जा रहा था, लाइफ में एकदम बढ़िया जा रहा था सारा, हम प्रैंक्स तक कर रहे थे, हम अच्छे से लाइफ अपनी गुजार रहे थे। हाँ, लास्ट के दिनों में थोड़ा बीमार पड़ गया था मैं, उसकी वजह से थोड़ा इल हो गया था मैं, व्लॉग नहीं बना पा रहा था, लेकिन फिर भी लाइफ अच्छी जा रही थी। मसला स्टार्ट होता है 4th of December से, एंड मसला कुछ यूं था, एकदम सही जा रहा था सारा, एंड अचानक से एक बोलते ना वो लहर जैसी आई हवा की, उसने ऐसे मतलब पूरा का पूरा उजाड़ के रख दिया सारा, एंड ये अभी तक मैं सर्वाइव कर रहा हूँ। ठीक है, वो मसला इतना बड़ा था जो कि अभी तक चल रहा है, तब से लेके अभी तक 61 डेज हो गए गाइस, एंड अभी तक ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है।
ये जो प्रैंक की क्लिप है, प्रैंक हमने किया था 2nd या 3rd of December को, जितना मुझे याद है। ये जो उसके बाद वाली क्लिप आप देख रहे हो, ये मैंने शूट की है, मैं घर कब आया था, 9th को, हाँ ये कर रहा हूँ मैं 9th of December को सुबह लगभग 5:30 या 4:30 बजे, ठीक है, क्योंकि इस टाइम घर जाना था, फ्लाइट थी मेरी इसीलिए। बाकी इन दिनों जो गैप थी ना, मतलब 2nd से लेकर 9th तक, उन दिनों मैंने कुछ शूट नहीं किया है, क्योंकि भाई साहब मेरा माइंड ही काम नहीं कर रहा था, मैं खुद पागल पड़ा हूँ, यही चीज़ हो गई थी मेरे साथ। अब इन शॉर्ट मैंने जितना बोला उतना बोला, वो खुद समझो आप। बाकी गाइस इस चीज़ को ना फलक से रिलेट करो, ना ही किसी और चीज़ से रिलेट करो, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि मैं दिल्ली आया हुआ था, एंड लास्ट कितना टाइम हो गया मेरे को यहाँ पे, 8 दिन। अरे भाई क्या यार, लास्ट 17 दिनों से मैं यहाँ पे हूँ। नहीं नहीं मैं यहाँ बोल रहा हूँ, यहाँ पे तो लगभग 10 दिन से हूँ, वहाँ पे 7 दिन था। लास्ट 17 दिनों पे से मैं यहाँ पे हूँ, तो 17 दिनों में तो आप लोगों ने 3 व्लॉग देखे होंगे, 3 या 4 व्लॉग ऐसा ही कुछ, मुझे पूरा भी पता नहीं, या शायद मैंने डाले भी है या नहीं, मुझे पूरा पता नहीं, जैसे क्लिप रिकॉर्ड करके रख रहा हूँ, क्योंकि जब मैं घर पहुंचूंगा मेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, एकदम से सब ठीक हो जाएगा, देन आई विल अपलोड दिस एंड आपको ये व्लॉग का पता चल जाएगा, क्योंकि ड्यूरिंग दिल्ली ट्रिप मेरे साथ बहुत कुछ ऐसा ऐसा हुआ है कि जो कि मैं बेचारे के साथ बहुत ज्यादा मेरे को खुद नहीं पता कि मैं लास्ट दिनों से सोया कब हूँ, जनरली यार मेरे को पता नहीं मैं सोया कब हूँ, एंड आज भी टाइम दिखाते हैं पहले सर, बराबर 5 बज गए, देखो यार अभी फ्लाइट है मेरी यार 8:55 पे फ्लाइट है मेरी, सो मैं चाहता हूँ एंड आपसे मिल जाए डायरेक्ट एयरपोर्ट पे, अकेले सफ़र करना है, अब समझो किस लेवल पे बात आ गई है, हिंट दे रहा हूँ बस, जो समझेगा तो वो समझेगा, बाकी आपसे मिलते हैं एयरपोर्ट पर, इनको करते हैं बाय बाय ज़ायद भाई, थैंक यू यार, मज़ा आया भाई, उनको भी भाई बोलता हूँ पहले, नसीबा सुना ब्लॉग तुल ब्लॉग तुल क्या मुझे तुल तुल बिनियर है के साथ अभी क्या प्रॉब्लम चल रही है, शायद से आप लोग को आगे जाके पता चल जाएगा, तब आप लोग भी बोलना कि फहीम भाई जेन्युइनली यार बहुत हार्ड प्रॉब्लम थी, श्रीनगर आना पड़ा इस चीज़ के लिए, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, आज तक जो भी मिला है अच्छा ही मिला है, इंशाल्लाह इसके आगे भी मिलेगा, क्योंकि मैं दिल में नेकी रखता हूँ, साफ सफाई रखता हूँ, ये चीज़ मेरे लिए मायने रखती है, बाकी कुछ नहीं। हाँ एक बात बोलूँगा, इनको तो मैं ज़रूर मिस करूँगा यार, डेफिनेटली मिस करूँगा, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे को हंसा रहे थे ना वहाँ पे, जैसे मतलब डेली एक एक शो मैं देखता था, कपिल शर्मा शो, मतलब ये लोग मेरे को लाइव हंसाते थे, एंड लिटरली इंसान हंस के पागल हो जाता था उन डायलॉग से। अपनी गली में बराबर आज 17 दिन बाद, लगभग पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने समय बाद मैं मतलब घर से दूर रहा, मतलब अपनी चीजों से दूर रहा, अपनी हरकतों से दूर रहा, अभी मैं खुश भी हूँ एंड सैड भी हूँ एट द सेम टाइम। जैसे कि मैंने आपको शाम को बोला कि अभी मसले चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, सो फिलहाल घर वालों का फिलहाल हाल चाल पूछते हैं, अब क्या और क्या, एंड थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके पहुंच गए जी, ये रही हमारी बाइक, ओए ओए ओए, आई मिस यू सो मच, जो है सो है यार, कम से कम मेरी तो है गारंटी तो है इस चीज़ की। ओहो ओहो पावर पावर
Начу ти молви на ти устади, начу ти ти мої ме баса каси, їман ти пуджа чукара рати, вичима гена ти мей той сідзади, їма на ганчу, то я каламні патики.